हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। हेलो, मैं अमनदीप कौर। हम सब यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ से सामने हंगरी बॉर्डर है, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्स हमें जाने नहीं दे रही है, बल्कि हमारे पास सारे यहाँ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे काफी इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे आके भी फंसे हुए हैं, और हमारे सामने हमारे लिए सब वेट कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी यूक्रेनियन सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए।